कुछ युवाओं द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें बता रहे हैं कि जो बैतूल जिले का कोई एक क्षेत्र है जहां पर इस तरह का पार्क दिखाया जा रहा है, नामजद पार्क दिखाया जा रहा है। वस्तुतः फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये पूरा क्षेत्र है, तो इसमें जो ज्ञापन दिया गया है सुरक्षा, तो उसमें संबंधित विभाग से पत्राचार किया जाएगा और जो भी उचित कार्रवाई है वो अनुसार संपादित की जाएगी। कि आज हम लोग गूगल पर हम लोग सर्च कर रहे थे, तो हमारे यहाँ चोपना थाना क्षेत्र करके एक फॉरेस्ट एरिया है, पुनर्वास क्षेत्र, वहाँ एक स्थान को पाकिस्तानी नेशनल पार्क के रूप में दिखाया जा रहा है। जैसे ही हम गूगल पर सर्च करते हैं तो पाकिस्तानी नेशनल पार्क जो कि बैतूल जिला मुख्यालय से 2 घंटे 24 मिनट की दूरी पर है, क्योंकि हमारे ज़िले में फॉरेस्ट क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है और जिला मुख्यालय से 2 घंटे की दूरी पर है, देश की आंतरिक सुरक्षा का भी मामला है। इस अगर पाकिस्तान के नाम से कोई स्थान हमारे ज़िले में दिखाया जा रहा है तो यह गूगल कंपनी की बहुत बड़ी गलती है। हमने यहाँ पर पुलिस अधीक्षक महोदय से ज्ञापन के माध्यम से आग्रह किया है कि इस कंपनी पर FIR दर्ज होना चाहिए और शीघ्रता से इस जो गूगल सर्च करने पे पाकिस्तान नेशनल पार्क दिखाया जा रहा है उस स्थान को हटाया जाना चाहिए गूगल से, क्योंकि देश की सुरक्षा इससे खतरे में पड़ सकती है। पाकिस्तान से हमारे संबंध बहुत अच्छे नहीं है और यह स्थान पाकिस्तानी नेशनल पार्क के द्वारा गूगल सर्च करने पर दिखाया जा रहा है। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP News TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP News TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।